हेलो एवरीवन, माइसेल्फ एमके सिंह, यू आर वाचिंग एमकेएस एकेडमी। एमकेएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन के बारे में। आज इस चैप्टर का हमारा 7वां दिन है। इसके बारे में 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग सबसे पहले उस वीडियो का एंजॉय कर ले और फिर आप डे 7 का आज का वीडियो का एंजॉय कीजिएगा, तब आपको काफी मजा आने वाला है और काफी अच्छा तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो हम लोगों का जो लास्ट जो मेथड चल रहा था वह था आपका क्या स्टेफन रिडक्शन एंड रोजेनमंड रिडक्शन। इन सारे चीजों का एक बेहतरीन कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके थे। इसमें एक खास बात बच गया था, उस चीज को हम लेकर आज आए हैं। तो इसमें हम लोग एक डाइबल एच का नाम सुनेंगे। आप लोग देखिएगा बुक में तो एक डाइबल एच का नाम मेंशन है। तो इस डाइबल एच का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं यह है क्या और इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, इस चीज को आप लोग जानिए। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे डाइबल एच। डाइबल एच देखिए, इस डाइबल एच का फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसे हम लोग बोलते हैं डाइबल एच। इसका यदि हमें स्ट्रक्चर लिखना चाहे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, CH3, CH2, Al, CH2, CH, CH3, CH3, और इसके साथ आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसे क्या हम लोग बोलते हैं डाइबल एच। ये आपका एक प्रकार का क्या रिड्यूसिंग एजेंट है। डाइबल एच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, इस चीज को आप जानिए। ठीक है, जैसा कि मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूं, ऐसा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 सॉरी CH C डबल ट्रिपल बॉन्ड एन, यदि आप इसका को देखिएगा तो ये क्या है आपका अल्किन नाइट्राइल है। क्या है, अल्किन नाइट्राइल है। यहाँ पे क्या आपका अल्किन नाइट्राइल है। यदि आप इसका IUPAC नेम लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं क्या होगा 1, 2, 3 और 4। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिख सकते हैं, 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन लिख सकते हैं, और CN का जो सफिक्स होता है वो नाइट्राइल होता है, तो आप नाइट्राइल लिख दीजिए। ठीक है, अब इस ब्यूट 2 इन नाइट्राइल से हमें प्रिपरेशन करना है किसका, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करना है। तो देखो ये मेरा नाइट्राइल ग्रुप है, तो नाइट्राइल ग्रुप का हम लोग क्या कराने वाले हैं, रिडक्शन कराने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इस केस में हम लोग डाइबल एच का इस्तेमाल करेंगे। डाइबल एच में खास बात यह है कि यह इस अनसेचुरेशन वाले पार्ट पे एक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ साइनाइड पे ही एक्ट करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, S2 को एड कर रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, डाइबल एच के प्रेजेंस में, डाइबल एच रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में। तो यहां से क्या होगा, देखिए ध्यान से, दो हाइड्रोजन है मेरा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर और एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पे जुड़ जाएगा, तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा और इसके डबल बॉन्ड पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसलिए मैं स्पेशल डाइबल एच का यहाँ पर उपयोग किया हूं। CH डबल बॉन्ड NH, ये आपका एमेन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद का स्टेप हमारा क्या था, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो यहां से हम क्या करा देंगे, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जुट रहा था और यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ रहा था और यहाँ से क्या बाहर निकल रहा था, NH3 बाहर निकल रहा था। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, CH3 CH
double bond CH2 C double bond OH और बाहर निकलने वाला है हमारा क्या चीज NH3, तो यह बन गया आपका क्या चीज LD5। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डाइमर H का इस्तेमाल करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। क्लियर, तो चलिए यहाँ तक हम लोगों का जो ये मेथड था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ गैसेस एलिफैटिक एल्डिहाइड, और इसमें हमने एक दो एरोमेटिक भी देखे थे, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले रिएक्शन वो काफी इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले है, और वह है हमारा रिएक्शन कौन सा, इटार्ड रिएक्शन। ये इटार्ड रिएक्शन क्या होते हैं, इटार्ड रिएक्शन से किस प्रकार के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इस इटार्ड रिएक्शन में कौन से सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट करते हैं, किस रिएजेंट के साथ हम सबस्ट्रेट का रिएक्शन कराते हैं और उससे कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो इन चीजों का एक बेहतरीन डिस्कशन अभी हम लोग करने वाले हैं। पहले इसको आप लोग नोट कर ले, फास्ट नोट करें। देखिए अब यहां से हम लोग हाइड्रोकार्बन से हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, हम यहां पर हेडिंग बना देते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, यही हमारा हेडिंग, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसमें हम लोग सबसे पहला जो मेथड देखने वाले हैं वो किससे देखने वाले हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से हम लोग किस प्रकार से इस एरोमेटिक एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, अभी आज के इस मेथड में हम लोग यही देखने वाले हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड दैट इज बेंजल्डिहाइड एंड डेरिवेटिव ऑफ बेंजल्डिहाइड का किस तरीके से प्रिपरेशन हम लोग करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहला मेथड जो इस्तेमाल करने वाले हैं वह है हमारा गैसेस, तो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, फर्स्ट में बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। सबसे पहले यहाँ पर जो सबस्ट्रेट यूज होने वाला है कौन है, मिथाइल बेंजीन यूज होने वाला है। तो पहले इसका तो आप एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, मिथाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन बोलते हैं, और इसको आप बोल सकते हैं टॉलिन। अब इसके ए में हम लोग इस मिथाइल बेंजीन का रिएक्शन कराने वाले हैं किसके साथ, प्रोमाइल क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देते हैं क्या चीज, विथ प्रोमाइल क्लोराइड या रिएजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा प्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस मिथाइल बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, तो इससे आपका प्रिपरेशन होता है किसका, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का प्रिपरेशन होता है, और इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का जब हम फर्दर क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो यहाँ से हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो जाता है। हेलो, हाँ आप ही का काम चल रहा है। ठीक है, अभी जस्ट थोड़ा देर में वीडियो अपलोड हो जाए। तो देखिए यहां से यहां पे हमारा क्या है यार, ये है टॉलिन मिथाइल बेंजीन। अब इसका हम लोग रिएक्शन कराने वाले हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2 के साथ, CrO2Cl2 इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड। तो यहां से
आपका जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है, यहाँ पे डाल दीजिएगा CH2 सॉल्वेंट के में, ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड। इसके साथ जैसे ही हम लोग रिएक्शन निकालते हैं तो यहाँ से हमारा क्या बनता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, CH2 का होल टू, ठीक है। ये बन गया आपका यहां से क्या चीज, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। जब इसका हम लोग क्या कराएंगे, फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, H3O+ लिख दीजिए या H2O+H+ आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहां से आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो जाता है, ठीक है, यानी कि यहां से बन जाएगा ए, यहां से एक ऑक्सीजन जो होगा इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और ये पूरा का पूरा यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाता है वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। तो आप यहां से लिख दीजिए डायरेक्टली हमको जो मेन प्रोडक्ट चाहिए उसी को सिर्फ लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बेंजल्डेहाइड का प्रिपरेशन हो गया, ठीक है, यानी कि इस रिएक्शन में हमने किया क्या कि मिथाइल बेंजीन यानी कि टॉलेन का रिएक्शन कराया क्रोमियम क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH2 सॉल्वेंट। तो उससे क्या हुआ, आपका एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ जिसका हमने हाइड्रोलिसिस कराया, तो यहाँ से मेरा क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया। इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग इटार्ड रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन, क्लियर। चलिए इसको हम लोग कंप्लीट करें फर्स्ट, फिर मैं सेकंड लेकर आता हूं क्रोमिक ऑक्साइड के साथ। जल्दी करें, इसमें सेकेंड हम लोग देखने वाले हैं बी नंबर विथ क्रोमिक ऑक्साइड, विथ क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड CrO3। यहां पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मिथाइल बेंजीन लेंगे, इस मिथाइल बेंजीन का रिएक्शन कराना है किसके साथ, क्रोमिक ऑक्साइड के साथ CrO3। और यहां पर हम लोग लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड का इस्तेमाल करते हैं, किसका, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस O, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं हम लोग, ठीक है, 273 से लेकर 283 केल्विन टेम्परेचर पे, 273 से लेकर 283 केल्विन टेम्परेचर पर जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं हम लोग, तो यहां से हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है, मतलब कि क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जो मिलता है वो कुछ इस तरीके का, CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। और फर्दर इसका हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे और इसको हिट करते हैं हम लोग, तो यहां से आपका डायरेक्टली एयर ग्रुप यहां से बाहर निकल जाएगा और एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा एच, और बन गया क्या चीज आपका, बेंजल्डे हाइड, क्लियर ना। तो हमने क्या किया, एस मिथाइल बेंजीन का रिएक्शन कराया किसके साथ, क्रोमिक ऑक्साइड के साथ,
और हमारा प्रोडक्ट यहाँ से बन गया, क्लियर ना। तो ये था आपका बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, सबसे पहला विद क्रोमिक, पहला था क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, सेकेंड है क्रोमिक ऑक्साइड के साथ, क्लियर ना। चलिए इसके बाद हम इसका सेकेंड मेथड देखने वाले हैं। इसके सेकेंड मेथड में हम लोग बात करेंगे क्या से, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन, दूसरा में बाय साइड चेन क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, ठीक है। देखिए इसका रिएक्शन आप देखिए, इसका रिएक्शन थोड़ा सा काफी मजेदार है आपके लिए। यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, मिथाइल बेंजीन लिख रहे हैं, ठीक है। इसका क्या कराना है, क्लोरीनेशन करा रहा है, तो यहां पर HNO के प्रेजेंस में हम लोग, तो ये जो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म जो टाइप हो गया वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। याद कीजिए जब हम आपको पढ़ाए थे फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का, जिसमें हैलो अल्केन में, और वहां पर बताए थे कि अल्केन का जब हम हैलोजिनेशन रिएक्शन करा रहे थे, यानी कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे थे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा था। तो उसमें आपका रिएक्शन का कंडीशन था क्या से, कि आपका sp3 कार्बन पे वह रिएक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे जो एक मिथाइल वाला एक कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 है, तो यहाँ पर एक क्लोरीनेशन रिएक्शन को शो करेगा, साइड चेन बोल रहा है, तो इसमें इस रिंग के साथ जो साइड चेन जुड़ा हुआ है उसके साथ क्लोरीनेशन कराना है हमको। तो जैसे ही इसका हम क्लोरीनेशन कराएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या चीज, यदि डबल क्लोरीनेशन करा रहे हैं तो CHCl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेंजल क्लोराइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजल क्लोराइड, ठीक है। अब इस बेंजल क्लोराइड का हम लोग क्या कराने वाले हैं, यदि हाइड्रोलिसिस यहाँ से करा देते हैं, क्या कराएंगे जी, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से इसका हम लोग क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, कैसा हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना केल्विन पे, 373 केल्विन पे, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा क्या चीज, CHO का फॉर्मेशन हो जाएगा, और फिर यहाँ से हमारा बाहर निकल जाएगा क्या चीज, Cl2 ये सब क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे के द्वारा किसका फॉर्मेशन हो गया, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन, ठीक है। यहां से आप निकाल सकते हैं बाहर कैसे, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका मिथाइल बेंजीन से बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन, क्लियर। एक और मेथड आपको पढ़ना है यहाँ पर, डिटरमाइन कोच रिएक्शन, दिस मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज नोट दिस टॉपिक, देन वी विल डिटरमाइन कोच रिएक्शन। चलिए हम लोग बात करते हैं डिटरमाइन कोच रिएक्शन, ये VBI है आपका। डिटरमाइन कोच रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर 12th बोर्ड एग्जाम, गेटेड मान, देखिए किसी किसी बुक में MANN लिखता है, ठीक है, और किसी किसी बुक में एक ही N लिखता है। तो आप लोग एक बार NCERT बुक को देख लीजिएगा, उस बुक में यदि एक बार N लिखेगा तो एक बार ही लिखेगा, ठीक है। गेटेड मान कोच रिएक्शन, गेटरमान कोच रिएक्शन,
अब इस गटरमैन कोच रिएक्शन में सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर जिस सबस्ट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है वो सबस्ट्रेट कौन कौन हो सकता है, इसमें जो रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन कौन से रिएजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बता दो कि यहाँ पर जो सबस्ट्रेट इस्तेमाल होने वाला है ट्रेट वो आपका बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स। यहाँ पे रिएजेंट के रूप में इस्तेमाल होने वाला है कार्बन मोनोऑक्साइड HCl एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl2। इसमें से आप किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं CuCl। ठीक है, और यहां से आपका जो प्रोडक्ट जो बनने वाला है वह बनने वाला है क्या सर, बेंजल्डिहाइड और डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, हम यहां पर लिखते हैं कि वेन बेंजीन रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl मोनोऑक्साइड विथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl देन बेंजल्डिहाइड और बेंजेनल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, बेंजल्डिहाइड इज फॉर्म सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड गटरमैन कोच रिएक्शन इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गटरमैन कोच रिएक्शन बोलते हैं। इसका रिएक्शन मैं लिख दू, बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड HCl लिख दीजिए यहाँ पे, एनहाइड्रस AlCl3 को ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा लीजिए, क्या से बेंजल्डिहाइड, यानी कि इस गटरमैन कोच रिएक्शन के द्वारा बेंजीन से किसका प्रिपरेशन हो गया, बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो गया। क्लियर ना, चलिए इसको आप लोग कॉपी करें फर्स्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम।